आज के समय में सभी अपने घरों, ऑफिस, होटल जैसी जगहों को अच्छा और अट्रैक्टिव बनाने में लगे रहते हैं, जिसके लिए तरह तरह के डेकोरेशन सामानों की खरीदारी करते हैं और उन्हीं में से एक है कारपेट, जिसे कालीन भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल हमारे घरों के अलावा बहुत सी जगह ऐसी है जहां कारपेट की जरूरत पड़ती है। इसलिए आज कारपेट की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, जिसमें बहुत वैरायटी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में बने कारपेट लगभग 75-85% दुनिया के 70 से भी ज्यादा देशों में भेजे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है। इसलिए कारपेट का जो बिजनेस है बहुत ही अच्छे लेवल पर चल रहा है। तो जैसा कि आप लोग समझ ही गए हो, आज हम बात करने वाले कारपेट बनाने के बिजनेस के बारे में, जिसे कालीन भी कहते हैं। इस बिजनेस की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है और मैन्युफैक्चरिंग कम, जो कि आप सभी लोग जानते ही होंगे। ऐसे में अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो इसमें आपको इन्वेस्ट कितना करना होगा, कितना कितने मुनाफा कमा सकते हो, कितनी जगह की आपको जरूरत होगी, इसको आप कहाँ स्टार्ट कर सकते हो, रॉ मटेरियल में आपको क्या क्या चीज चाहिए होगी, कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कहाँ से आपको मशीनें खरीदनी है, इसको बनाया कैसे जाता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके लिए मैन पावर आपकी कितनी लगेगी, ऐसे दोस्तों कई सारे जरूरी पॉइंटों को आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंदर बताया कि हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, कैसे हो आप सब, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल में, हूं आपका दोस्त प्रदीप। साथ ही दोस्तों इसी तरह एजुकेशनलिटी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कारपेट बिजनेस की मार्केट में डिमांड और इसको तो देखिए दोस्तों, कारपेट का जो इस्तेमाल है वो सदियों से होता आ रहा है, जो बदलते समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। फिर चाहे आप कोई भी फंक्शन, शादी समारोह और घरों को देख लीजिए, सभी जगह आपको इसका इस्तेमाल और भारी डिमांड देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तो इस बिजनेस को करने वाले कम है, जिससे लोगों को खरीदारी के लिए दूर जाना पड़ता है, और दूसरा इसमें वैरायटी काफी होती है, जिसमें लोग मनचाहा रेट भी देने को तैयार रहते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं इसकी डिमांड कितनी ज्यादा है। इसके अलावा आप जहां भी शुरू करें पहले इसकी मार्केट सर्च कर लें, जिससे आपको बिजनेस के फायदे नुकसान के बारे में जानकारी मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 2, जब आप मार्केट सर्च कर लें तो इसके बाद जरूरत होती है कारपेट बनाने बिजनेस के लिए जगह की। इसके अंदर जमीन आपको बिजनेस के आधार पर लेनी होगी, जिसमें जितना बड़ा आपका बिजनेस उतनी ही ज्यादा जगह की जरूरत होगी। और अगर छोटे स्तर पर शुरू करते तो आपको 300 से 500 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होगी, जिसमें मशीन लगाने, ऑफिस और स्टाफ के काम करने के लिए पूरी जगह हो, इसमें बिजली पानी का कनेक्शन और गाड़ियों के आने जाने की सही सड़क हो, ताकि फोर व्हीलर से लेकर ट्रक सभी आराम से आ जा सके। जिसे आप मेन मार्केट या फिर शहर के आसपास इंडस्ट्री एरिया या फिर घर में जगह है तो आप वहां भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, कारपेट बनाने के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरी रॉ मटेरियल मशीनों की जरूरत। कारपेट बनाने के लिए कच्चे माल में आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होगी, इसमें आपको ऊनी कपास, कलर, सिंथेटिक्स, यार्न, डिफरेंट टाइप के धागे, कुछ केमिकल और पैकिंग मटेरियल जैसे कि कार्टून बॉक्स, बैग की जरूरत होगी। इसके अलावा मशीनों में आपको ऊन निष्कर्षण मशीन, टफिंग मशीन, सिलाई मशीन, बाल काटना और ट्रिमिंग करने वाली मशीन, यार गर्मी सेटिंग मशीन, ड्राई मशीन, डिजिटल प्रिंटिंग मशीन, बैग कोटिंग मशीन की जरूरत होगी, जो आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगी। वरना आप इन सभी चीजों को ऑनलाइन वेबसाइट ट्रेड इंडिया, अलीबाबा.com या फिर इंडिया मार्ट या अमेजोन जैसी साइट से घर बैठे मंगा सकते हो, जिसमें कंपनी खुद आपको पूरा सेटअप इंस्टॉल करके देती है। पॉइंट नंबर 4, कारपेट बनाने के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बिजनेस को अच्छी तरह और कानूनी तौर पर चलाना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट जरूर तैयार करवा लें, जिसमें आपको सबसे पहले प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप फर्म के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद आपको MSME SSI रजिस्ट्रेशन, जो हर बिजनेस को शुरू करने के लिए अनिवार्य है। इसके बाद आपको GST रजिस्ट्रेशन, बिजनेस लाइसेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, फर्म अकाउंट, ट्रेड लाइसेंस, इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ सकती है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में मौजूद होने चाहिए। 5, कारपेट के प्रकार, उसको बनाने के तरीके। तो देखिए दोस्तों, कारपेट वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, जिसका अलग अलग तरह का इस्तेमाल होता है, जैसे कि घर के कमरों के लिए बनावट कारपेट, सीढ़ियों के लिए बर्बर कारपेट, इसमें कारपेट में लगी गांठों के आधार पर समिन गांठ, फारसी गांठ, तिब्बती गांठ, इसके अलावा पैरों को ठंडी टाइलों से बचाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए अलग अलग प्रकार के कारपेट होते हैं, जिसमें कपड़ों से बने नाइलॉन, टेक्सटा, पॉलिस्टर, वूल, ओलिफिन बेस्ड ऑन कारपेट पाइल एंड फेस वेट, लो पाइल कारपेट, मीडियम पाइल कारपेट, हाई पाइल कारपेट जैसी बहुत वैरायटी होती, जो हाथों से और मशीनों द्वारा भी बनाई जाती है। नंबर 6, कारपेट बनाने का तरीका और स्टाफ की जरूरत। कारपेट बनाने के लिए दोस्तों ऑटोमेटिक मशीन आती है, जिसमें आपको रो मटेरियल लगाकर मशीन को ऑपरेट करना होता है, जिसमें मशीन खुद कारपेट बनाकर बाहर निकाल देती है, बस हमें थोड़ा फिनिशिंग का काम देखना होता है और चेक करना पड़ता है कहीं से माल खराब तो नहीं हो रहा। वैसे इसे आप हाथों से भी बना सकते हो अपने घर पर ही, लेकिन इसमें आपकी जो प्रोडक्शन है वो नहीं निकल पाएगी, तो आप इसे मशीन से ही बनाएं, जिसमें जब मशीन आप खरीदते हो तभी कंपनी आपको उसका डेमो और ट्रेनिंग भी देती है, तो आप उनसे वो सभी जानकारी लें। इसके अलावा आप शुरुआत में 2 से 3 कुशल स्टाफ रखकर इसको स्टार्ट कर सकते हो, जो माल बनाकर उसकी फिनिशिंग कर उसे पैक करके रखेंगे। ध्यान रहे, जितनी अच्छी पैकेजिंग होती है उतना ही आपका जो सामान है वो ग्राहक को लुभाता है, इसलिए पैकेजिंग का अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 7, कारपेट तैयार करके से कैसे और कहां सेल करें। कारपेट तैयार करके से आप आसपास की मार्केट में जाकर कॉन्टैक्ट करके सेल कर सकते हो, जिसमें आप इंटीरियर डिजाइनर और कॉन्ट्रैक्टर्स,
मूवी थिएटर, घरों में कमर्शियल प्लेस, मंदिरों, होटल एंड रेस्टोरेंट, मेडिटेशन सेंटर, जहां कारपेट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा आप होलसेलर और रिटेलर को सेल कर सकते हो, साथ ही ऑनलाइन साइट Amazon, Flipkart, IndiaMart जैसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर भी आप सेल कर सकते हो और बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हो। हालांकि वहां लोग पहले से ही कहीं और से माल ले रहे होंगे। शुरुआत में नई कंपनी जमाने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, बाकी आप अच्छी क्वालिटी रखें और कम प्राइस में माल दें, फिर जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट मार्केट में आएगा लोग जानने लगेंगे, वैसे वैसे आपकी मार्केट और सेल बढ़ती जाएगी। बाकी याद रखें, किसी भी बिजनेस में दोस्तों फायदा होने में थोड़ा समय जरूर लगता है। नंबर 8, कारपेट बनाने के बिजनेस को स्टार्ट करने में आपकी लागत कितनी आएगी, कितना आप इससे मुनाफा कमा सकते हैं। कारपेट बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट मशीन और जमीनों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जितना बड़ा आप बिजनेस स्टार्ट करते हो उतना ही ज्यादा आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। और अगर आप इसे छोटे लेवल पे स्टार्ट करते हो तो जिसमें आपकी मशीन, रॉ मटेरियल, स्टाफ की सैलरी, बिजली पानी की सुविधा, सभी चीजें मिलाकर अराउंड आपको 8 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं। ये दोस्तों बढ़ भी सकता है। वहीं इसमें मुनाफा कितना होगा, तो देखिए दोस्तों, कारपेट बिजनेस में आपको सभी खर्च निकालकर 20-30% प्रॉफिट मार्जिन बचता है, बाकी जितनी ज्यादा आपकी सेल होगी उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे रहेगा। जय हिंद दोस्तों।